को मीटिंग रखी गई थी, उसकी क्या क्या एजेंडा है? एजेंडा तो अभी शक्ति रानी शर्मा जी आपको बताएंगी, पर मीटिंग का मेन मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो जो काम लंबित हैं, अलग अलग विषयों के काम, उनके ऊपर काम हो, कार्रवाई होए, और जो काम पिछले हफ्ते हमने बोले थे उनकी समीक्षा की जाएगी, काम कहाँ तक पहुँचे हैं अलग अलग जगहों के, अलग वार्डों के, अलग अलग विभागों के, उस संदर्भ में आज की मीटिंग रखी गई थी। आप वो क्वेश्चन माता जी से डायरेक्ट करिए, बेटर रहेगा। विधायक कुमार, आपको काफी वैसे इलेक्शन तो आपने काफी करे, लेकिन मेन मुद्दा, मेन काम कौन सा जो प्राथमिकता के आधार से आप करवाना चाहेंगे कार्यक्रम में? आपके बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं और जो पाइपलाइन में है उनकी शुरुआत होगी, और जो अभी नए टेंडर लगते हैं उनके बारे में भी किया जाएगा, खास करके जैसे हमारे पानी की और सड़कों की दिक्कतें हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और नशा तो हमारा है ही प्राथमिक मुद्दा हमारा, और जो इलीगल माइनिंग है उसके ऊपर भी रोक लगानी है, और ये सब हमारे जो हमारे वादे रहे हैं इलेक्शन के दौरान सभी के ऊपर काम किया जाए। जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर बिंदु रहे थे उन सब पे काम शुरू कर दिया गया है, और अलग अलग स्टेज पे काम है, उन्हीं की समीक्षा हर हफ्ते की जा रही है, और ताकि वो गति से काम पकड़ सके। और जल्द ही एक स्पेशल टास्क फोर्स ड्रग्स के लिए भी यहाँ बनाई जाएगी, और वो अपना कार्रवाई शुरू कर चुकी है, और आपके सामने वो भी आ जाएगी, एक हेल्पलाइन नंबर भी आएगा, ताकि जो ये ड्रग्स की प्रॉब्लम है उसके ऊपर उस तरह के ही कटाक्ष हो सके जिस तरह की हमने वादा किया। पिंजौर में हर रोज कहीं ना कहीं चोरियां देखने को मिलती है, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन के साथ भी आज मीटिंग हो रही है। पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी लगाने की योजना चली, आज ईडीसी साहब भी आए हैं, और मॉडल सीसीटीवी के तहत भी पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी आज मीटिंग होगी, बैठक होगी, उस पर भी जो भी विषय हैं उनके ऊपर भी संज्ञान लेते हुए फैसला किया जाएगा। देखिए, 7A वाला मुद्दा एक प्राथमिकता वाला मुद्दा है, और उसको हमने ऑलरेडी नंबर 1 पे लिस्ट पे रखा है, जो प्रायोरिटी वाले मुद्दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, ये मुद्दा कैबिनेट के अप्रूवल से होगा, क्योंकि वो सिर्फ कालका हलके के साथ नहीं, वो पंचकूला और अन्य शहरों में भी लगता है, तो हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी है, मौखिक बात हो गई है, और बहुत जल्द इसका रास्ता निकलेगा। ये पिंजौर बस स्टैंड का विषय भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, इस पर काम शुरू। कार्तिक जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा की है, डिजिटल अरेस्ट को लेकर, क्योंकि लोगों की जो मेहनत की कमाई होती है वो आजकल डिजिटल ठगों के हाथ आ जाती है, तो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से आयाम बदल रहे हैं, लोगों की मेहनत करने के आयाम भी बदल रहे हैं, आप सब भी उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं, और कहीं ना कहीं जो अपनी जमा पूंजी और मेहनत से लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, तैयार करते हैं, और कोई आगे से चोरी कर लेता है, हैक कर लेता है, ये कब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अनुचित है, और इसके ऊपर जो कार्रवाई आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुझाई है और जो उन्होंने कहा है उस पर पूरे देश को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, और इस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। मैं भी इस पे बहुत संवेदनशील हूँ, जब भी किसी को इस विषय में कोई दिक्कत आएगी हम सब मिलकर मदद करेंगे। एक जरूरी बात और, आज आप भी यहाँ हैं बतौर राज्यसभा सांसद, शक्ति रानी जी भी कालका के जो विधायक के तौर पर यहाँ हैं, कालका में जो अफसर हैं अलग अलग विभागों के उनको लेकर भी कई शिकायतें स्थानीय लोगों की, वो सुनवाई नहीं करते, फिर वो चाहे बिजली की समस्या को लेकर है, सीवरेज की समस्या, सड़कों को लेकर है, तो आज आपकी मीटिंग भी है, तो क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी या उन्हें कोई इस तरह का अल्टीमेटम, या अगर नहीं सुनवाई करेंगे तो क्या एक्शन दिया जाएगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर सरकारी अफसरों का और हमारा जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका भी दायित्व यही है कि लोगों के लिए काम करना, लोगों के प्रति काम करना, और अगर हम लोगों के प्रति काम नहीं करेंगे या अफसर काम नहीं करेंगे तो ये बात सुनिश्चित है कि उनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। देखिए, ये लोगों का अधिकार क्षेत्र है और लोगों की भावनाएं हैं, हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, और चाहे कुछ भी उनके विषय हो, कोई दुख दर्द हो, समस्या हो, हमें उन सबका संज्ञान लेते हुए, समझते हुए ही हम काम कर रहे हैं, चाहे HMT का विषय हो, चाहे HMT की सड़क हो, बल्कि अभी बात हुई है कि HMT की सड़क को NOC दिलवाकर उसको हम निगम के अधीन लेंगे ताकि उस पर काम तुरंत करवाया जा सके। ये बहुत सारे विषय हैं, तकरीबन 300-400 ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया गया है, और इन पे चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा, सब पे काम चल रहा है,
और काम चलेगा, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को। मेन जो मेन रोड सड़क है जिसके ऊपर थोड़ा सा पैच लगाया डिपार्टमेंट ने छोड़ दिया, तो इसको प्राथमिक आधार पे करें, युद्ध स्तर पे ना किया जाए, क्योंकि मेन देखिए ऐसा है जो जो पैचवर्क का काम है वो ऑलरेडी अप्रूव था, आचार संहिता की वजह से रुका हुआ था, तो पुणे शुरू कर दिया गया है काम। जो काम सिलसिलेवार तरीके से शुरू से करना पड़ेगा उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वो भी होएगा, लेकिन विधि के द्वारा जो काम सबसे पहले लगा हुआ है, यानी कि मानिए अगर अगले दो महीने के लिए लोगों को असुविधा कम करनी है तो पैचवर्क तो पहले कंप्लीट होना ही चाहिए, और जो सड़कें दोबारा डलनी है या बननी है वो भी काम होगा। ये नहीं है कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दोनों ही होंगे, पर जो प्रक्रिया के हिसाब से चल रहा है उसको रोकना भी उचित नहीं। मैम पिछले दिनों 3-4 दिन पहले एनजीटी के द्वारा टिप्पर और गाड़ियां पकड़ी गई जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे, तो लोगों में इसमें बहुत खुशी की लहर भी है, तो क्या ऐसी तबिश बनी रहेगी शहर में माइनिंग जो करते हैं? बिल्कुल, जब तक ये रुकेगा नहीं सिलसिला तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जितने भी इलीगल माइनिंग हो रही है, जो ड्रग्स के विषय हैं, ये सब वही बिंदु हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, और मैं आपके माध्यम से भी पूरे कालका वासियों को पुणे और श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी भी आश्वस्त करना चाहती हैं कि जो भी ये विषय हैं इलीगल माइनिंग के, ड्रग्स के, इनके ऊपर उसी तरीके से नकेल कसी जाएगी जिस तरीके से नकेल कसी जानी चाहिए। एक भाजपा ने 50 लाख नए सदस्य परिवार में जोड़ने की शुरू किया है, कार्य अभियान शुरू किया है, हमारे कालका में किस तरीके से इसका प्रारूप रहेगा? जितना कालका का हिस्सा बनता है उससे ज्यादा प्रारूप रहेगा। एक और सवाल, अभी शपथ ली थी 25 तारीख को ही सभी नव निर्वाचित विधायकों ने, उस वक्त जो स्पीकर हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी गई, डिप्टी स्पीकर की भी, तमाम जो पद हैं उन पर जिनको नियुक्त किया जाना था, लेकिन अभी तक भी जो विपक्ष है उसके नेता का चुनाव नहीं हुआ, लगता है कि अभी भी उस सदमे से उभरे नहीं है चुनाव में इतने बड़े। ये सवाल आपको कांग्रेस पार्टी से उनके नेताओं से पूछना चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लोगों का फैसला सही था, अगर वो जीतते तब भी नहीं फैसला कर पाते, हार गए तब भी फैसला नहीं कर पाते। सर, मोरनी में कुछ स्कूली बच्चों और कॉलेज के विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, बसेस के टाइम उनके साथ मैच नहीं करते, या तो उन्हें बहुत जल्दी आना पड़ता है, छुट्टी के बाद उन्हें 1-2 घंटे बैठे रहना पड़ता है, इसकी समस्या का आप कैसे समाधान? ऐसा है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड समस्याएं हैं उनकी हमने एक सूची तैयार की है, और वो तो एक आधिकारिक तौर पे तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन बहुत जल्द शक्ति रानी शर्मा जी भी और मैं भी माननीय अनिल विज जी से भी मिलेंगे जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, और उनको खासकर मोरनी के, क्योंकि मोरनी के इलाके में यातायात का ये मुख्य साधन ही बस का है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको प्राथमिकता देते हुए अगले हफ्ते के अंदर ही उनसे बात करके जल्द से जल्द उनको रीशेड्यूल करा के शुरू करवाने का काम। जी उस पर भी काम शुरू हो रहा है बहुत जल्द, लेकिन क्योंकि उसमें जो त्रुटियां हैं उनको दिमाग में रखते हुए उनका रास्ता निकालते हुए उस पर आगे बढ़ेंगे, और जो जो मैनिफेस्टो में कमिट किया वो सारी चीजें पूर्ण रूप से पूरी होंगी।